नमस्कार, आज मैं बिजनेस स्टडीज का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इधर हम पांच फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, तीसरा है पार्टनरशिप, चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटी और पांचवा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इन पांचों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ के ही जानकारी हम ये पता कर सकते हैं, या कोई भी बिजनेसमैन एक्सपैंड करना है, बिजनेस ग्रोथ करना है, कौन सा बिजनेस उसके लिए सूटेबल होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये वो पता कर सकता है। तो शुरू करते हैं सोल प्रोपराइटर से। सोल प्रोपराइटर दो वर्ड से बना हुआ है, सोल और प्रोपराइटर। सोल का मतलब होता है ओनली और प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनर, यानी कि सोल प्रोपराइटर ओनली ओनर होता है बिजनेस का। तो फिर इसका डेफिनेशन को देखते हैं। सोल प्रोपराइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ ओनरशिप विच इज ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो ये ओन करता है, मतलब इसका मालिक जो होता है वो एक इंडिविजुअल होता है, वही उसको मैनेज करता है और वही उस बिजनेस को कंट्रोल करता है। वो एक इंडिविजुअल होता है और इसकी वजह से क्या होता है, वो रिसिपियंट होता है, वो सारा प्रॉफिट का रिसीवर होता है और वो सारे लॉस को बेयर करता है। ये हमारा डेफिनेशन हुआ सोल प्रोपराइटरशिप का। अभी सोल प्रोपराइटरशिप के फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये कोई सेपरेट लॉ के तहत एक्ट नहीं करता है, कोई दूसरा लॉ गवर्न नहीं करता है इसको। इसीलिए ये किसी भी इंसान के विश के ऊपर है कि वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो आसानी से फिर उस हिसाब से उसको फॉर्म कर सकता है अपने कैपिटल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जितना भी उसके पास कैपिटल है उस अनुसार वो बिजनेस को फॉर्म कर सकता है। साथ ही इसको क्लोज करना भी बहुत आसान होता है, ये भी उसके विश पे होता है, उसके विल पे होता है कि उसको बिजनेस और कंटिन्यू नहीं करना है। तो इसके लिए भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज उसको नहीं करना पड़ता है। फॉर्मेशन के टाइम में भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज एज सच नहीं होता है, सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई बिजनेस वो ऐसा कर रहा है जिसमें उसको लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो ऐसा उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अन्यथा उसको किसी भी रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे मेडिसिन का दवाई का दुकान होता है तो वहां लाइसेंस का जरूरत पड़ता है, तो उसको उतना फॉर्मेलिटीज करना होगा। और जनरली अगर कोई रिटेल शॉप खोल रहा है, ग्रोसरी शॉप खोल रहा है, तो उसको वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है लाइसेंस के लिए। दूसरा है लायबिलिटी। तो सोल प्रोपराइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर इंसान, कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है सोल प्रोपराइटरशिप में और वो बैंक से और जगह से लोन लेकर शुरू करता है, तो अभी क्या होता है, मान लीजिए उसको इतना सफिशियंट प्रॉफिट नहीं हुआ कि वो लोन के पैसे को पे बैक कर सके, तो उस केस में उसको अपना एसेट बेचना पड़ता है दुकान का, ताकि वो लोन को रीपे कर सके, अपने डेब्ट को क्लियर कर सके। लेकिन अगर वो दुकान का जो एसेट है वो भी उसका नहीं कम पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि इनकी लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तो तीसरा पॉइंट कहता है सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। हाँ, तो यही एक इंसान होता है जो सारा रिस्क बेयर करता है और अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है, अपने बिजनेस को चलाता है, इसीलिए यही रिस्क बेयर करता है। और जब उसको प्रॉफिट मिलता है तो सारा प्रॉफिट उसी का होता है, उसमें उसको किसी को देने की जरूरत नहीं होती है। फिर चौथे पॉइंट पे आते हैं लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी इसलिए होता है क्योंकि अगर उसका डेथ हो जाए, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाए, या फिर उसका इंसैनिटी, मतलब मानसिक संतुलन उसका थोड़ा बिगड़ जाए, या फिर उसका दिवालिया घोषित हो जाए, तो इन सारी सिचुएशन में क्या होता है कि बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि वही एक ओनली ओनर है, वही अपने बिजनेस के बागडोर को संभाल रहा है। फिर पांचवे पॉइंट में आते हैं नो सेपरेट एंटिटी। तो मैं पहले ही बताई हूँ कि कोई लॉ गवर्न नहीं करता है सोल प्रोपराइटरशिप में, इसीलिए बिजनेस
और बिजनेसमैन को एक ही एंटिटी समझा जाता है, उनको अलग अलग एंटिटी नहीं समझा जाता है। इसीलिए कुछ भी होता है बिजनेस में या बिजनेसमैन को, तो वो एक ही बात समझी जाती है, यहाँ पे उसका अलग एंटिटी नहीं है, क्योंकि वो किसी भी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। और हमारा छठवां या आखिरी पॉइंट कहते हैं फीचर्स का, कंट्रोल है। तो कंट्रोल क्या होता है बिजनेस में, वो सोल प्रोपराइटर ही कंट्रोल करता है, कोई और उसको कंट्रोल नहीं करता है उसके बिजनेस में, कोई भी उसके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करता है, प्रॉपर उसका पूरा कंट्रोल रहता है। और वो इसकी वजह से वो बहुत सारा डिसीजन मेकिंग फास्ट कर सकता है और अपना बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज जो भी मार्केट में अवेलेबल रहता है उसको वो ग्रैब कर सकता है, उसको वो ले सकता है, अवेल कर सकता है, ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके, एक्सपैंड कर सके। धन्यवाद।